हर कोई कोरोना के डर से दिन में कई बार हाथ धो रहा है, जबकि सन 1847 में हंगरी के फिजिशियन और साइंटिस्ट इग्नास सैमुएल वेज ने सबसे पहले बताया था कि हाथों को धोने से ही हम कई तरह के जीवाणु को अपने शरीर में जाने से रोक सकते हैं। उस वक्त हर किसी ने इग्नास की बात का मजाक उड़ाया था और उन्हें पागल घोषित कर मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया गया था। इतना ही नहीं, उन्हें किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने की अनुमति भी नहीं दी गई थी।